वे भी सहयोग करें। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। सभी देव शक्तियों को वंदन करते हुए आइए श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ मिलकर गुरु सत्ता के चरणों में भाव भरा नमन करें। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हमारे विशिष्ट अतिथियों में से डॉक्टर आनंद शर्मा ही अभी आ पाए हैं, तो उनका सम्मान करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब उनके दीर्घायुष्य की मंगल भविष्य की कामना करते हुए गायत्री मंत्र की चादर उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे। माननीय आनंद शर्मा जी मैं उद्गाता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वे पर्यावरण को समर्पित एक गीत प्रस्तुत करें। आओ ऐसा करें कि जिससे अमराई बौराए कुहू कुहू के कोमल स्वर में कोयल तान सुनाए। उद्गाता बंधुगण जी आओ ऐसा करें कि जिससे अमराई बोराए कुहू कुहू के कोमल स्वर में कोयल तान सुनाए कोयल तान सुनाए। आओ ऐसा करें कि जिससे अमराई बोराए कुहू कुहू के कोमल स्वर में कोयल तान सुनाए कोयल तान सुनाए। दौड़ शहर की ओर बढ़ रही इतनी तेज हमारी दौड़ शहर की ओर बढ़ रही इतनी तेज हमारी। आज आदमी को जीना भी हुआ बहुत ही भारी आज आदमी को जीना भी हुआ बहुत ही भारी। हृदय हुए जो सूखे पर्व अथवा उजड़े उपवन हृदय हुए जो सूखे पर्वत अथवा उजड़े उपवन छाया रहित तभी सड़कों से हुए हमारे जीवन छाया रहित तभी सड़कों से हुए हमारे जीवन। यत्न कर जिससे यह व्याकुल यत्न करे जिससे यह व्याकुल धरा
करें कि जिससे हम राई बोराए। कुहू कुहू के कोमल सर में कोयल तान सुनाए, कोयल तान सुनाए। द्वार द्वार पर तुलसी बिरवे पावनता फैलाए, आए द्वार द्वार पर तुलसी बिरवे पावनता फैलाए। पुष्प वृक्ष घर परिवारों में शुभ उल्लास जगाए, पुष्प वृक्ष घर परिवारों में शुभ उल्लास जगाए। चहके पिटपों की फुनगी पर फुदक फुदक गौरैया, चहके पिटपों की फुनगी पर फुदक फुदक गौरैया। भीतर तक हो सके तृप्त फिर हर घर का रहवैया, भीतर तक हो सके तृप्त फिर हर घर का रहवैया। वातावरण विश्व का पोषक, वातावरण विश्व का पोषक प्राण भरा बन जाए। कुहु कुहु के कोमल सर में कोयल तान सुनाए, कोयल तान सुनाए। आओ ऐसा करें कि जिससे हम राई बोराए। कुहु कुहु के कोमल सर में कोयल तान सुनाए, कोयल तान सुनाए, कोयल तान सुनाए, कोयल तान सुनाए। भाइयों बहनों, श्रद्धेय डॉक्टर साहब अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए, लेकिन हम लोगों की विनती पर वे इस सभा में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। उनका आशीर्वचन या मार्गदर्शन ही समझें, उनको ज़्यादा देर के लिए हम रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। तो उन्हीं को हम अभी आमंत्रित करने जा रहे हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार का पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, जब से गायत्री परिवार हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया है, उसमें पर्यावरण बल्कि आगे और बढ़कर वातावरण। जब पर्यावरण तो एक स्थूल ब्लैंकेट को कहते हैं चारों तरफ, लेकिन वातावरण एक चेतनात्मक ब्लैंकेट और है हमारे चारों तरफ, उसके तरफ वहाँ तक वो ले गए हैं। हमारे युग निर्माण सत्संकल्प में आता है, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी और सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। ऐसा सत्संकल्प करोड़ों गायत्री परिवार के हमारे साधक रोज लेते हैं। इसमें मधुरता भी है, स्वच्छता भी है, सादगी और सज्जनता, चारों को बढ़ाना है, बनाना है, उत्पन्न करना है। उसमें तो स्वच्छता में चीज़ें आ जाती हैं, उसी तरह सज्जनता में और बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है। हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना करेंगे कि एक ऐसे विषय को कि जो ज्वलंत विषय है अभी विश्व के सामने, पर्यावरण यदि नहीं बचेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी। गायत्री परिवार ने भी बहुत कुछ योगदान दिया है और आगे दिनों में देने वाला है, उसके बारे में श्रद्धेय डॉक्टर साहब आप सबको मार्गदर्शन करेंगे, आपको बताएंगे। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, एक बार एक साथ गायत्री महामंत्र ध्यान करते हुए प्रातःकालीन उदीयमान स्वर्णिम सूर्य का प्रसविता सविता पोषण करने के कारण, हम सबको सतत प्राण देते रहने के कारण सविता, वो सविता का तेज हमारे रोम रोम में कण कण में प्रवाहित हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्म
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माताजी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज मंच पर विराजमान हमारे उत्तराखंड प्रांत के एक बहुत बड़ी हस्ती श्री आनंद शर्मा जी, मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक, और हमारे बीच में बैठे हुए हमारे सभी अग्रज, सभी बड़े भाई, आप सब देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आज हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को कर्मकांड की तरह से प्रतिवर्ष जैसे मनता है ऐसे हम मनाते हैं, और एक दिन मना करके 364 दिन हम प्रदूषित करते हैं। एक दिन हम याद कर लेते हैं पर्यावरण को और 364 दिन इसको याद नहीं करते। अभी जैसे कालीचरण भाई साहब ने कहा परिआवरण, परि और आवरण, परियोजना शब्द से बना है, परियोजना सफिक्स लगा है शुरू में, परिआवरण स्थूल दृष्टि से हमको चारों ओर घेरे हुए है वो आवरण, और वात आवरण जो हमारे ऊपर सूक्ष्म जगत से जोड़े हुए है वो वातावरण। तो वातावरण वो है जो हमारे घर में आध्यात्मिकता का, सूक्ष्म संस्कारों का हम बनाते हैं। पर्यावरण वो है जो हमारे चारों ओर, हमारा हवा का, हमारे चारों ओर जो वायुमंडल के जितने भी हमारे आवरण हैं वो सब के सब हमारे चारों ओर, जो भी है आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इन सब के जो आवरण हैं वो, जो भी हमारे आसपास ग्रह नक्षत्र हैं उन सब के माध्यम से जो आवरण बनता है वो, इसको, इस पर्यावरण को हमको सुरक्षित बनाए रखना, क्योंकि हमें जिंदा रहना, आने वाली पीढ़ी को भी जिंदा रहना है। पर्यावरण की जब बात की जाती है तो पर्यावरण के संरक्षण की बात की जाती है, और पर्यावरण के संरक्षण की बात के साथ साथ ये कहा जाता है कि यदि पर्यावरण के साथ जीना है यदि, तो हमें कंसेप्ट वही रखना पड़ेगा जो हमारे ऋषि मुनि ने हमें दिया था, विश्वम पुष्टे ग्रामे अस्मिन अनातुरम, पहला सूत्र। दूसरा, माता भूमि ही पुत्रोम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ, माँ का मैं शोषण नहीं करूँगा, माँ का मैं चीरहरण नहीं करूँगा। ये जो वृक्ष वृक्ष काटे जा रहे हैं जगह जगह, जंगल जलाए जा रहे हैं, ये क्या है, माँ के आंचल में आग लगाई जा रही है। ये माँ के, सही अर्थों में कहा जाए तो माँ के चीर का हरण हो रहा है। हम लोग, किस देश में जंगल नहीं काटे जाते, जंगल सब देशों में काटे जाते हैं, उनकी एक सुनियोजित पद्धति होती है, पर उसके साथ साथ उनकी प्लानिंग होती है उसी मात्रा में, उतनी बड़ी संख्या में, दुगनी तिगुनी संख्या में वो पेड़ लगाते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। हमारे देश में पेड़ नहीं लगाए जाते, हम पेड़ काटते चले जाते, इतना उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। 45 डिग्री 46 डिग्री तापमान कभी हरिद्वार में नहीं सुना था, वो हमने सुन लिया, देख लिया, सहन कर लिया। ये जो ताप है जो हमारे चारों ओर हम महसूस कर रहे हैं, इसका मूल कारण है पर्यावरण संकट। जो तीन चीज़ें हैं, जल, जंगल और जमीन। जल सुरक्षित रहेगा और जमीन सुरक्षित रहेगी यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे। जंगल को सुरक्षित रखने का मतलब है कि पेड़ों को तो लगाएं, पर पेड़ों के साथ लताओं को भी लगाएं, बेलों को भी लगाएं, घास को भी लगाएं, यानी ये सब मिलकर के जंगल बनता है। केवल अकेले पेड़ से नहीं होगा, गुल्म भी लगेंगे, बेल भी लगेंगे, घास भी लगेगी, और वो मेड़ पे भी लगेगी, सब जगह लगेगी, तब जाकर ये जंगल बनेगा। जंगल इसीलिए हर गाँव को जंगल सौंप दिया जाता था कि आप अपने जंगल को संभालिए। ये जो गौरा देवी ने और हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी ने जो उत्तराखंड में लड़ाई लड़ी है, वो यही लड़ाई लड़ी है, जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। मित्रों, ये अगर जंगल बचे रहेंगे तो जल बचेगा, जल बचेगा तो जमीन बची रहेगी, जमीन का इरोजन, सॉइल इरोजन, भूमि का क्षरण, ये सारा इसी वजह से हो रहा है। और भी पर्यावरण में बहुत सारे के प्रदूषण है, जहर हम फैला रहे हैं, अगर हम सही खाद का प्रयोग करें, ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग का, तो गाय को प्रश्रय मिलेगा, गाय जिंदा रहेगी, बैल जिंदा रहेंगे, और इनके
जो खाद है उसके माध्यम से हमारी खेती में पोषण रहेगा। एक स्टडी हुई है कि नागपुर वाले क्षेत्र में, विदर्भ वाले क्षेत्र में, जहाँ जहाँ किसानों ने आत्महत्या की, उसका मूल कारण था कि उन्होंने जो उर्वरक यूज़ किया और जो जिस सब्सिडी पे उनको दिया गया था, जिस लोन पे दिया गया था, उस लोन के माध्यम से उनको जो लगता था कि यील्ड इतना आएगा, उससे उत्पादन से इतना उत्पादन आएगा, उत्पादन नहीं आया। उसके बदले में यदि उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ किया होता तो मित्रों उसका उत्पाद लोगों ने प्रयोग करके दिखाया। मैं गया था हमारे शरद पारदी जी भाई साहब के साथ, ऋषि कृषि का एक हमने सेमिनार रखा था संत टुकड़ो जी के तपस्थली में, और वहाँ हमने देखा कि वास्तव में उन लोगों ने उत्पादन इतना किया है कि उस उत्पादन से उस क्षेत्र में समृद्धि आई है। हमारा देश कृषि प्रधान देश, हमारा देश ऋषि प्रधान देश, ऋषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश, अगर यहाँ जिंदा नहीं रहेगा तो कहाँ जिंदा रहेगा पर्यावरण मित्रों। इस साल गजब की फसल हुई है, गजब की, मध्य प्रदेश में बम्पर फसल हुई है, जस्ट डेढ़ से लेकर दो गुना फसल, बम्पर फसल आई है, हार्वेस्ट इतनी ज़्यादा आई। रखने के लिए जगह नहीं है, रखने के लिए बोरे नहीं हैं, बोरे ऑर्डर किए जा रहे हैं, सिलवाए जा रहे हैं। क्यों? हमारे यहाँ हम तब जागते हैं जब हम सवेरा हो जाता है, सवेरा होने के बाद जागते हैं, फसल आ गई उसके बाद बोरे सिले जा रहे हैं। इस बीच क्या होगा? लगभग लगभग इसमें से एक चौथाई अन्न नष्ट हो जाएगा, जिससे कि हम कई मरने वाली जानों को बचा सकते थे। मित्रों, धरती माता, भगवान, प्रकृति के देवता देने के लिए उतारू हैं, अगर हम लोग तैयार हो तो, अगर हम लोग लेने के लिए अनुदान, एक माता जी गीत गाती हैं, दिव्य अनुदान देने खड़े देवता, आप तैयार तो हो, मतलब आप सुपात्र तो बने, आप देवता दिव्य अनुदान देने के लिए तैयार हैं, पर हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे संस्कृति में बराबर ये कहा गया कि आप यज्ञ भाव से कर्म करिए, आपको मिलेगा, देवताओं को उनका भोग दीजिए, देवता आपके ऊपर बरसाएंगे, अन्न भी, जल भी बरसाएंगे, अन्न भी देंगे, सब कुछ देंगे। परंतु कहीं कहीं गड़बड़ी हम लोगों के द्वारा हो जाती है, और वो गड़बड़ी हम लोग पिछले 30-35 नहीं बल्कि लगभग 50-60 साल से बियर कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम बनावटी संस्कृति के ऊपर चले गए। हम लोगों ने सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, पेड़ पौधों के जंगल खड़े करने के बजाय सीमेंट कंक्रीट के जंगल, और सीमेंट कंक्रीट के जंगलों ने मित्रों इतना ज़्यादा ताप बढ़ाया है, और उसके बाद एयर कंडीशन बिल्डिंग, ग्लास की सीमेंट की बिल्डिंग, एयर कंडीशन बिल्डिंग में बैठ के निर्णय लिए जाते हैं भारत के पर्यावरण के बारे में, तो कहाँ से कोई निर्णय ले पाएगा सही? नहीं मित्रों, ये नहीं, ग्राम स्वराज के माध्यम से और वो गाँव में बैठ करके, गाँव की परिस्थितियों में बैठ करके ही निर्णय लिया जाएगा। मैं नहीं कहता कि बिजली की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत है, पर जल संसाधन तो पैदा करिए। उत्तराखंड में, उत्तराखंड मायका है, सही अर्थों में कहा जाए उत्तराखंड, उत्तरांचल, देवतात्मा हिमालय मायका है सारे के सारी नदियों का, जितनी नदियां भारत को पोषण देती हैं उन सब का मायका है, और मायके में ही मैली हो रही हैं, मायके में ही प्रदूषित हो रही हैं। आज आप स्वयं गए थे सवेरे, आपने देखा गंगा कितनी गंदी है, आज रात में और गंदी हो जाएगी क्योंकि नाले उसमें मिल रहे हैं। आपने तो एक दिन सफाई की, कल की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? हर क्षण की सफाई की जिम्मेदारी आपकी और हम सब की है, और उन लोगों की भी है जो गंगा जी में नहाने जाते हैं। गंगा उनसे भी डिमांड करती है कि आपको भी सफाई करते रहना चाहिए और इसमें गंदे नाले नहीं मिलने चाहिए। मित्रों, गंगा को हम गंदा करके भेजते हैं, मेला करके भेजते हैं, इसमें मेला डालते हैं, इसमें सीवर डालते हैं, सीवेज डालते हैं, सारे गंदे नाले इसी में डालते हैं। पहले तो ये था कि गंगा में थोड़ा पानी था, थोड़ी गंदगी थी, अब तो पूरा सीवर लाइन हो गई है, यहाँ से लेके हरिद्वार के आगे आप आचमन नहीं कर सकते। हरिद्वार में कम से कम फ्लो तेज है, डाइल्यूट हो जाता है, बीओडी लेवल अभी भी लो है, और मैं बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स बोल रहा हूँ, ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए कि इसमें बैक्टीरिया जो लेवल है, जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, और जो उसमें जिसकी वजह से प्रदूषण पैदा होता है, जिसकी वजह से आदमी को नुकसान होता है, वो लेवल जो है वो मित्रों बहुत ज़्यादा है, और वो लेवल जिससे कि आदमी का बैक्टीरियोफेज लेवल जो होता है, जिससे कि गंगा की कैपेसिटी, गंगा की क्षमता मानी जाती थी, वो सब खत्म होती जा रही है। इसके लिए क्या किया जाए मित्रों? प्रयास किया जाए। हम लोगों ने एक प्रयास किया, परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी वर्ष में अपने सातों आंदोलन के अंतर्गत नर्मदांचल शुद्धि अभियान, हर हर नर्मदे, इसके अंतर्गत अमरकंटक से भरूच तक स्वच्छता एवं जन जागरण किया गया।
अमरकंटक से भरूच तक की यात्रा बड़ी लंबी है, जहाँ से नर्मदा निकलती है, और नर्मदा एकमात्र नदी है जो इस दिशा में मुड़ती है ताप्ती नदी के अलावा, बाकी सब नदियाँ सब इधर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, पर एक अरब सागर में जाने वाली दो ही नदियाँ हैं, बाकी ऊपर की राजस्थान की भी जाती हैं दो तीन नदियाँ, पर वो नदियाँ सूख गई सारी की सारी। ये जो हर हर नर्मदे अभियान था, इसमें अमरकंटक में पूजन किया गया, हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, अमरकंटक में पूजन किया गया, और अमरकंटक से जो अभियान चला उसमें नर्मदा के किनारे के जितने भी गांव थे उन गांवों में जन जागरण किया गया, सफाई का अभियान चलाया गया, और उन लोगों से कहा गया आप इसमें गंदगी नहीं डालेंगे। मित्रों, वैज्ञानिक परीक्षण से ये प्रमाणित हुआ है कि नर्मदा का प्रदूषण स्तर अब लगभग लगभग 0 से 5 के बराबर आकर के खड़ा हो गया। ये अपने शांति कुंज के द्वारा चलाए गए अभियान का वो श्रेय। कम से कम एक अभियान हम लोगों ने जो आरंभ किया उसकी पूर्णाहुति जो है वो जो हम लोगों ने वहाँ पर की, सोमनाथ मंदिर में, सोमनाथ के शिवलिंग पे, भगवान महाकाल निश्चित रूप से प्रसन्न हुए होंगे। मैं खुद पहुँचा था सोमनाथ, वहाँ महाकाल के ऊपर हमने वो शुद्ध जल का, अमरकंटक से लाए हुए जल का हम लोगों ने वो अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद ये एक शपथ ली कि भारत की सब नदियों को हम शुद्ध करके रहेंगे, जिस तरह से हमने ये अभियान चलाया। इसके साथ जन जागरण जुड़ा है, इसके साथ स्वच्छता जुड़ी हुई है, इसके साथ बहुत सारे काम जुड़े हुए हैं। तटीय गांवों में नर्मदा प्रज्ञा मंडल स्थापित किया गया, निरंतर स्वच्छता अभियान चल रहा है, तटीय क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया गया, गाँव में रासायनिक खेती के स्थान पर गो आधारित खेती प्रयास किया गया, तटों और घाटों पर नियमित रूप से जन जागरण किया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जहरीली रंगों से रंगी हुई मूर्तियों के विसर्जन हेतु नदी के बाहर नर्मदा कुंड की स्थापना की जिससे जल प्रदूषित न हो, इको फ्रेंडली मूर्तियों का प्रसारण करने के लिए, उन प्रवाहित करने के लिए मोटिवेट किया गया, ताप्ती शुद्धि अभियान, ताप्ती नदी भी उसी की सहायक नदी है जो सूरत में जाके मिलती है, उसका अभियान आरंभ किया गया, उसके उद्गम से लेकर संगम तक स्वच्छता और जन जागरण किया गया, ताप्ती के तटों पर हरियाली चूनर वृक्षारोपण चढ़ाई, आगामी 26 जून को मध्य प्रदेश में पूरी ताप्ती के तट पर वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम रखा जा रहा है, पूरी की पूरी गुजरात की, दक्षिण गुजरात की इसमें कार्यकर्ताओं की फौज इसमें लगेगी। इसी प्रकार मंदसौर में शिवना, मंदाकिनी, डोही नदियों पर कार्य किया जा रहा है, माँ गंगा की शुद्धिकरण का कार्य शांतिकुंज एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा अब बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है। मित्रों, हम लोग घोषणा करके राजनीति का एक अंग नहीं बनना चाहते, ये राजनीतिकरण हो रहा है गंगा का, नहीं वो हमको नहीं करना, वो तो बहुत लोग कर रहे हैं, गंगा पर राजनीति बहुत हो रही है, हम क्या करेंगे, हम इस आंदोलन को अपने स्तर पर धीमे धीमे पूरे देश के कार्यकर्ताओं से, गोमुख से लेकर के और गंगा सागर तक, प्लास्टिक पॉलीथीन उठाने से लेकर, सफाई करने से लेकर, और जगह जगह अवेयरनेस पैदा करके, और जहाँ सीवर लाइन है और जिसमें मिलती है उसका एक अलग सेप्टिक टैंक बना करके उसको अलग विसर्जित करने का काम, इस सारा का सारा काम कॉरपोरेट ग्रुप के सहयोग से हम लोग करेंगे। ये 5 से लेकर 7 साल ले सकता है ये कार्य, पर 5 से लेकर 7 साल में यदि हमने गंगा को जिंदा रखा तो गंगा हमारी जो है वो गंगा माता का आशीर्वाद हमें इतना मिलेगा पूरे गायत्री परिवार को कि हम तर जाएंगे। मित्रों, बस ये मान के चलिए, जैसे हमारे भगीरथ के पूर्वज जितने भी थे वो तृप्त हो गए थे, ऐसे हम लोग भी तृप्त हो जाएंगे। आज 2500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे स्वच्छता जन जागरण हरिद्वार में पर्यावरण रैली का आयोजन किया। 31 मई को बनारस के 10 घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया था, इसी तरह से पटना एवं अन्य तटों पर स्वच्छता जन जागरण किया गया, गोमती पर भी एक बार किया जा चुका है, और मित्रों अयोध्या में भी क्लीन अयोध्या, ग्रीन अयोध्या ये आंदोलन चालू किया जा चुका है, एक बार दो दो तीन तीन दिन के लिए कार्यक्रम हो चुके हैं। युवा मंडलों द्वारा प्रत्येक जिले में जल स्रोत गोद लिए जा रहे हैं, ये जल स्रोतों को रेडियो आइसोटोप के माध्यम से, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के माध्यम से इनको अवेकन किया जा सकता है, जगाया जा सकता है। अभी आनंद जी जानते होंगे कि पहाड़ पे बहुत सारे स्रोतों को जगाया जा चुका है, बस ये कि स्रोत की जानकारी होना चाहिए कि पानी यहाँ से आता है, तो आइसोटोप्स के माध्यम से, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना बढ़िया काम हो सकता है कि उन स्रोतों को जगाया जा सकता है, उन स्रोतों से पानी आना चालू हो सकता है। ये सब काम तभी संभव हो पाएगा जब यदि हम एकदम कुंद कर दें, जल स्रोतों को समाप्ति कर दें तो बात अलग है, तो मित्रों यदि थोड़ा सा भी अगर जिंदा है तो हम वहाँ पर रेडियो आइसोटोप्स के माध्यम से कर सकते हैं। अभी हेस्को के अनिल जोशी जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया है, उन्होंने भी बहुत सारे स्थानों पर ऐसे आंदोलन चलाए हैं।
वृक्षारोपण अभियान हम लोगों ने चालू किया है मित्रों, ये तो नदी स्वच्छता का आंदोलन हो गया और हरितिमा की चादर ओढ़ाने का काम हो गया। वृक्ष गंगा अभियान तरुपुत्र तरुमित्र बनाकर वृक्षारोपण संरक्षण में 1 करोड़ वृक्षों के आरोपण का लक्ष्य साल भर में रखा गया था, उसमें 40 लाख वृक्ष लगाए जा चुके हैं जिनको गिना जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, वो बड़े हो गए हैं और जगह जगह स्थान स्थान पर लगे हुए पंचवटी के रूप में और अलग अलग रूपों में। 60 लाख और हम रोपण करेंगे अगले साल तक और 60 लाख रोपण पूरे देश में करेंगे, जगह 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 हर एक की कोटा निर्धारित है। 18 पहाड़ियों को गोद लिया गया, उनको हरा किया गया। 6 पहाड़ियों को इस वर्ष जुलाई में हरित किया जाएगा और नदी तटों पर सघन वृक्षारोपण कर रहे हैं, हरी चुनर उड़ाने के प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक बालक है मनोज तिवारी बुरहानपुर का, उसने अकेले ने अपने बलबूते 4 या 5 उसने पहाड़ियाँ हरी करके दिखा दी और वहाँ के लोगों ने आकर के उसका सम्मान किया और ये कहा कि जो काम हम लोग नहीं कर सकते थे, वहाँ के वन संरक्षक, वहाँ के वन मंत्री मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का लड़का है, बहुत ही बढ़िया लड़का है। अभी अगले दिनों खूब और भी अच्छे बड़े स्तर पर काम करने जा रहे हैं। देश में 1008 श्री राम स्मृति उपवनों की स्थापना की जा रही है। मित्रों, स्मृति उपवन आप देख के आइएगा, ऐसे 1008 स्मृति उपवन पूरे देश में लगेंगे तो आप देखिए कि सारे वृक्ष वनस्पतियों की रक्षा भी हो जाएगी और लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। नक्षत्र वाटिका, ग्रह वाटिका, राशि वाटिका, त्रिवेणी, पंचवटी, हरिशंकरी वाटिकाओं की स्थापना चल रही है। 1 लाख गाँवों में ग्राम देवता के स्थान पर वृक्षारोपण ग्राम तीर्थ योजना ये चलाई जा रही है। स्वच्छता का आंदोलन, 1500 से अधिक गांवों में 1 दिवसीय स्वच्छता कार्यक्रम संपन्न हुआ है। रामेश्वरम, अयोध्या, धर्मस्थलों आदि तीर्थ स्थानों को स्वच्छ और हरा भरा बनाने हेतु कार्यक्रम हुआ है। ग्रीन रामेश्वरम, क्लीन रामेश्वरम, रामेश्वरम का सफाई का अभियान बड़ा विलक्षण रहा। आगे हो सकता है आगे के वक्त आपको बताएं किस तरह से कितने असंभव काम को किया गया। ग्रीन अयोध्या अभी अभी पिछले दिनों 25 मई को ये कार्यक्रम किया गया। शांतिगुंज में तरु प्रसाद के रूप में पौध वितरण कार्यक्रम चलता है। हमारे ज्ञान मिश्र जी भाई साहब और हमारे सुधीर, ये दोनों मिलकर के पूरा के पूरा इस आंदोलन को देखते हैं, पौधों को तैयार करते हैं, पौधों को देते हैं। 1.25 लाख पौधों को नर्सरी शांतिगुंज में तैयार की गई है। संस्कारों पर्वों पर पूरे देश में तरु प्रसाद वितरण एवं संकल्प लिया जाता है। आज भी 1100 तरुपुत्र बने हैं, तरुमित्र बने हैं, आज भी सुबह से लेकर अभी तक ये संकल्प के साथ जा रहे हैं और पौध वितरण करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण का व्यक्तिगत समाधान ये है कि आप अपने जन्मदिन पर, विवाह दिन पर, बेटे का मुंडन पर, कोई भी पावन प्रसंग हो, आप वृक्षारोपण करिए और वृक्षारोपण के बाद याद रखिए कि उसमें घेरा लगाना है और याद रखिए कि पानी भी देना है। जैसे आप बच्चे की देखरेख करते हैं, बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, ऐसे उसकी पानी की व्यवस्था करिए, ऐसे उसकी खाद की व्यवस्था करिए। बड़ा होने दीजिए उसको, बड़े होकर के वो आपको आशीर्वाद देगा। गुरुदेव का वाक्य है, किसी को हमारा स्मारक बनाना हो तो वह वृक्ष लगाकर बनाया जा सकता है। वृक्ष से हमने उदारता, सहनशीलता एवं सहिष्णुता सीखी है। मित्रों, आज का पर्यावरण दिवस हमारे चिंतन में इस तरह से उतरे कि हम वृक्षारोपण की, हरियाली की चुनर सब जगह फैलाएं, जल, जंगल, जमीन तीनों की रक्षा के लिए हम लोग संकल्प लें। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद। श्रद्धेय डॉक साहब का उद्बोधन आपने सुना और अभी हमारे चल रहे प्रयास और आगे दिनों चलने वाले प्रयास के भी एक आपको एक झलक झांकी मिली। अब आज के प्रमुख वक्ताओं में से आदरणीय डॉक्टर आनंद शर्मा जी को हम आह्वान करने जा रहे हैं। आज का उनका विषय है दूषित पर्यावरण और तपती धरती। धरती का तापमान बढ़ रहा है, इतना बढ़ गया है धरती का तापमान, यदि इसे रोका नहीं गया, रोकना मनुष्य के हाथ में है, तो जल प्रलय हो सकती है। जल प्रलय, गर्मी बढ़ने से बर्फ़ पिघलेगा और समुद्र का पूरा स्तर इतने मीटर उठ जाएगा कि जैसे अपने पुराने कथारंगों में पढ़ते हैं ना कि जल प्रलय है, तो जल प्रलय मनुष्य अपनी गलती से बुला सकता है। ऐसी धरती तप रही है, तो इस दूषित पर्यावरण और तपती धरती से आपको वो उस खतरा से आपको आगाह भी करेंगे। श्रद्धेय राग साहब का काफ़ी समय हम लोगों ने ले लिया है, अच्छा सुन के जाएंगे। उनसे प्रार्थना है कि आज के एक प्रमुख वक्ताओं में से एक का उद्बोधन सुने तो